कुरैशी जी, मदरसे वाला प्रश्न आप पूछिए। क्या मुस्लिम समुदाय के शिक्षा के निम्नतम स्तर के लिए ये मदरसे जिम्मेदार हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे अकबर कुरैशी जी, मुस्लिम समुदाय में खास करके एजुकेशन की तरफ तो है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ में दुनिया के एजुकेशन से पहले वो अपनी धर्म जो एजुकेशन है मदरसा, उसमें बच्चों को अग्रसर करते हैं, और जो मदरसे में बच्चे आए वो क्या आपको कहीं कामयाब दिखते हैं, या वही तो एक कमजोरी एजुकेशन की? मतलब उनमें से कितने बच्चे निकलते हैं जो वैज्ञानिक बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आईटी में जाते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो उन बच्चों का वो कमजोर स्तर रखा है। देखिए कुरैशी जी, जहाँ तक मदरसा एजुकेशन की बात है, मदरसा एजुकेशन की जो फाउंडेशन है वो चरमरा गया, क्योंकि मदरसा एजुकेशन में आज जो मदरसा में जो टीचर हैं वो पूरे काबिल टीचर नहीं है। नहीं है, नहीं है। मैंने सऊदी अरबिया का भ्रमण किया, वहाँ के मदरसों को मैंने देखा है, तो वहाँ के मदरसों में ओनली फॉर रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ दुनियावी एजुकेशन भी दी जाती है। वहाँ के मदरसों से आपको टेक्निकल हैंड निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। हमारे यहाँ मदरसों ने जो एकल योजना बना रखी है और समाज के जो बड़े लोग जो डोनेट करते हैं और ये जो मौलवी मदरसा बनाए हुए हैं, ये मदरसा सिस्टमेटिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह एक तोते को हम रटाते हैं, वो रट्टू एजुकेशन, वो भी सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं। उन वो बच्चे को पता नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या पता है, क्या मतलब है। और ये कमजोरी मदरसा एजुकेशन में आई है, और इसके जिम्मेदार हमारे समाज के डोनर मौलवी लोग, हाँ, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे का, हाँ, वो भी जिम्मेदार है। उनको देखना चाहिए ना? नहीं, वो भी जिम्मेदार है, और मदरसा में जो तालीम करवाते हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। वहाँ क्वालिफाइड टीचर नहीं है। एक मदरसा चल रहा है, उसमें से दो मौलवी पढ़ा रहे हैं, दोनों की लड़ाई होगी, उसने जाके मदरसा खोल दिया। तो आप ये बताइए, जो क्वालिफाइड स्टाफ मदरसा एजुकेशन आप देखना चाहते हैं, तो आप अकल कुआ के मौलाना बस्तानवी की मदरसा को देखिए, वहाँ टेक्निकल इंजीनियर भी मिलेंगे आपको, आपको जो है डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको ब्यूरोक्रेट्स भी मिलेंगे। अगर आप कभी विजिट करें, कहाँ पर है? पता चलेगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पे है, अकलपुर। अच्छा अच्छा। और कुरैशी जी, इस्लामुद्दीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये जो बता रहे हैं हालत, मुंबई में भी मदरसों की यही हालत है? बिल्कुल, मुंबई में भी यही हाल है। रट्टू वाला उनका एक पैटर्न है, नियम बन गया है, पैटर्न बन गया है, तो इससे वो धर्म तक सीमित है और अपने धर्म भी पूरा, और उसमें भी पूरी तरह से वो कामयाब नहीं है, रही बात। और फिर वो जो देश के साथ जुड़ नहीं पाते, देश की एजुकेशन उनको नहीं होती है, उनमें भी उनको आगे आना चाहिए। मेरा मानना यह है कि इंसान का अगर सही विकास करना है तो अपनी दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन रखे। दीन अपने धर्म को सपोर्ट करता है, और दुनिया लोगों के साथ जो रहते हो समाज के साथ सपोर्ट करता है। और एक आदमी का असली विकास जो है, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, तीन चीज है। क्या अगर आदमी का एजुकेशन है तो देश अपने आप विकास, सोसाइटी विकास करती है, सोसाइटी विकास करती है तो देश विकास करता है। तो मेरा कहना है अकबर जी, गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रपोजल पड़ा है मदरसों के सुधार के लिए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट तो इसको खत्म ही करना चाहती है, आपने देखा होगा। आपको एक अलग बात बताता हूं, इस बार हमारे हिंदुस्तान में वक्फ की 5,15,000 हेक्टेयर जमीन है। कितनी? 5,15,000 हेक्टेयर जमीन। वक्फ का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट डाल रहा हूँ इसमें। वक्फ केवल मुसलमानों के उत्थान के लिए है, और मुसलमानों का उत्थान के बाद भी अगर उसके पास पैसा बचता है तो जिस मुल्क में वो वक्फ है वहाँ के मुल्क की जनता के उत्थान के लिए भी वो पैसा खर्च किया जा सकता है। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया गया, और उसमें मैं गवर्नमेंट को या हमारी हिंदू मेजोरिटी के भाइयों को इल्ज़ाम नहीं दूंगा। इसमें जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे काबिज है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे गलियाकोट हो, चाहे वो मुंबई हो, आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, अंटालिया जो धीरूभाई अंबानी का है वो भी वक्फ प्रॉपर्टी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसलिए वहाँ की जो कमेटी वमेटी है उससे कोई फर्जीवाड़े में बेचान करवा लिया होगा। और अंटालिया के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन ये सब कुछ
इसलिए गौण कर दिया जाता है कि एक पॉलिसी के तहत जो सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके तहत हमारे देश में कुछ 5 या 10% लोग जो किसी संस्था की भी हो सकते हैं वो ये चाहते हैं कि इन मुसलमानों को अगर आज़ादी फुल आज़ादी कमर्शियल आज़ादी हेल्थ की आज़ादी इकोनॉमिकल आज़ादी स्पोर्ट्स की आज़ादी अगर मिली तो इसमें अजहरुद्दीन और इरफान पठान पैदा हो जाएंगे और हम लोग पीछे रह जाएंगे, ताजमहल बना लेंगे, लाल किला बना लेंगे। इसलिए एक स्कीम के सोची समझी स्कीम के तहत हमारे कुछ परसेंटेज लोग मुसलमानों को फ्रंट लाइन में नहीं आने देना चाहते। नीतियां बहुत बनती है, योजनाएं बहुत बनती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, फंड भी जाते हैं। मेरे को अभी लास्ट में एक सवाल बस करूँगा, मुस्लिम समाज के उत्थान न होने के लिए मुस्लिम नेता कितने जिम्मेदार? मुस्लिम नेता जो है चाहे वो कांग्रेस, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा मुसलमानों को, आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे रहा हूँ, अगर कढ़ी बनाएंगे, हमारे राजस्थान में मशहूर है कढ़ी बनाएंगे तो उसमें पत्ता डालेंगे और बिरयानी बनाएंगे तो उसमें तेज पत्ता डालेंगे। पॉलिटिक्स ने मुसलमानों को कढ़ी का पत्ता और बिरयानी का पत्ता समझा सकता क्या हो? इसी वजह से उसको पीछे रख क्यों? आप दोनों पत्तों की हालत ये है कि जब खाने वाला बैठेगा तो सबसे पहले उस पत्ते को उठाएगा और अपने मुंह से चूस कर फेंक देगा, यही बिरयानी के तेज पत्ते की हाल है। मुसलमानों को पार्टियों ने पत्ता समझा। दूसरी तरफ आप आ जाइए बीजेपी की तरफ, बीजेपी के दिमाग में एक है जितना मुसलमानों को गाली देंगे उतना हिंदू समाज एक होगा, बिल्कुल। और अभी एक बहुत अलग से बात कर रहा हूँ सर, नोटबंदी जब हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं एक सियासी और एक जर्नलिस्ट और एक आज़ाद ख्याल होने के नाते कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा नोटबंदी एक सर्जिकल स्ट्राइक है, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, दाऊद इब्राहिम को हम रोड पे ले आए, आम आदमी को दाऊद इब्राहिम से पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मैं राजस्थान का एक उदाहरण देता हूँ, 1800 पोस्टें थी जूनियर अकाउंटेंट की, फार्म कितने भर गए? 9 लाख। और रेलवे की जहाँ तक मेरी नॉलेज है 30 से 32 हज़ार पोस्टें निकाली थी, फार्म कितने भरे गए? 68 लाख। हमारे देश के नेताओं को इधर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम समाज में कोई भी नेता अगर मुस्लिम समाज की बात करेगा तो वो हाशिए पर डाल दिया जाएगा, वो बोल ही नहीं सकता कि मुस्लिम उत्थान के लिए आप बात कीजिए, वो तो कहता है तुम वोट दिलवाओ सिर्फ मुसलमानों के, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। चलिए साहब, आपने बहुत समय निकाला अपना कीमती, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बात की, बाकी बातें हम करेंगे अगले अंक।